मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिविंग वाइब्रेंटली। आज हम लोग घूमेंगे श्रीनगर का लोकल साइट सीन, जिसमें आपका रहेगा डल लेक, नेहरू गार्डन और निशांत बाग। यहाँ आप देख पा रहे हैं हाउस बोट है, जो कि कितना सुंदर लग रहा है। और ऐसे हाउस बोट में रहने के लिए आपको पर हेड खर्च करनी पड़ेगी 3000 से लेके 5000 पर पर्सन। अगर आप लोग हाउस बोट में रहना चाहते हैं, तो फिर एक दिन के लिए हाउस बोट में रहना ठीक है, एक दिन से ज्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग अभी जो सिकारा राइड कर रहे हैं डल लेक में, यहाँ पर पर्सन कॉस्ट है 800 रुपीज पर पर्सन। और हम लोग इस बोट में बैठे हैं 5 जन। यहाँ पे दूसरी साइड देख सकते हैं, एक दूसरा हाउस बोट है। यहाँ पे अभी एक भैया आए थे कावा बेचने, हम लोग कावा पिए। पर कप का प्राइस था आपका 50 रुपीज। ये देखिए, यहाँ पे जो कैफेटेरिया है मेरे पीछे नेहरू बाग में, इसी कैफेटेरिया में आपका हम लोग मैगी खाए और गोलगप्पा खाए। मैगी आपका हम लोग लिए वेज मैगी लिए। नॉर्मल मैगी तो पता नहीं कैसा था, कैसा होगा, अच्छा ही होगा। हम लोग वेज मैगी लिए, बहुत अच्छा था। और एक प्लेट वेज मैगी 2 इंसानों के लिए एनफ है। एंड यस, इट्स मोर देन एनफ एक्चुअली। हम लोग 2 प्लेट मंगाए थे और हम लोग 5 जन खाए थे, तो सोच लीजिए दिस इज़ मोर देन एनफ। एंड प्राइस आपका है 60 रुपीज़ आपका नॉर्मल मैगी का, और वेज आपका 80 रुपीज़। और गोलगप्पा जो है थोड़ा महंगा है, बट टेस्ट करना ज़रूरी है। ये आपका 60 रुपीज़ पर प्लेट, और एक प्लेट में आपका 6 गोलगप्पा रहेगा, मतलब पर गोलगप्पा पर पूरी आपका 10 रुपीज़ करके। और इसको शायद यहाँ पे बताशे भी बोलते हैं। आप जहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे ये गोलगप्पे को क्या बोलते हैं, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट पे बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब वक्त आ गया है शिकारा में जाने का। ये देखिए, मेरे पापा वहाँ से वेव कर रहे हैं, अंकल भी है, सब है। वैसे तो डल लेक को श्रीनगर का ज्वेल भी कहा जाता है। अभी हम लोग फिर अपने अपने शिकारा पे चढ़ के मीना बाजार के ओर बढ़ेंगे। यहाँ शिकारा में जब आप लोग आएंगे, यहाँ पे ये लोग टिकट प्राइस बताएंगे पर हेड 1500 रुपीज। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बर्गेन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट है 750 से लेके 800 तक, एंड आपका मिनिमम टू मैक्सिमम 800 तक ही रहेगा। मेरा टूरिज्म डिपार्टमेंट से एक छोटी सी दरखास्त है कि शिकारा में ट्रैवल के दौरान लाइफ जैकेट होने से अच्छा होगा, फॉर सेफ्टी पर्पस। ये जो लेक है, ये लेक 32 किलोमीटर एरिया का है ये। और यहाँ के तो लोग बोल रहे हैं कि अगर आप 3 दिन मतलब बोट में घूमेंगे, तो आप यहाँ का सारा पॉइंट कवर करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा है यहाँ का ये झील। अभी हम लोग नेहरू गार्डन से निकल के दूसरे गार्डन में आएंगे। और यहाँ पे देखिए, फ्रूट हम लोग मंगाए हैं। ये आपका 100 रुपया का फ्रूट है, इसमें सारा कश्मीरी यहाँ का फ्रूट सारा रखा गया है। देखिए, आपको दिखेगा, ये आपका क्या है इसको, क्या ड्रैगन फ्रूट, पाइन एप्पल, एप्पल सारा यहाँ पे है। वहाँ पे बुमरोह का शूटिंग हुआ था। डल लेक में वैसे तो बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज का शूटिंग हुआ था, जैसे कि जब जब फूल खिले 1965 में, फितूर। और आपको क्या क्या मालूम है जो डल लेक में शूट हुआ है, वो आप कमेंट पे जरूर बताइए।
डल लेक में फिशिंग एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग भी होता है। आगे जाके हम आपको दिखाएंगे यहाँ कैसे वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग होता है। ये जो हाउस बोट्स आप लोग देख रहे हैं, ये सब पाइन ट्री से बनाया होता है। शिकारा में चढ़ के ना आप लोग ऐसे सोते 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 ऐसे करके आइएगा। ऐसे इतना अच्छा धूप लग रहा है और इस ठंडी में बहुत मज़ा आएगा। एकदम बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़े वाली चीज़ है ये। पानी, पहाड़, धूप, छांव, हवा और ऐसे नींद में सोना, ठीक है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ का मार्केट में। मार्केट देखिए, इस मीना बाजार को फ्लोटिंग मार्केट भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी दुकान जाना है तो आप आपके शिकारा पायलट को बोल के उस दुकान पे ले जा सकते हैं, जहाँ पे आपको वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल से लेके कारपेट तक सब कुछ मिल जाएगी एक छत के नीचे। कश्मीर का पश्मीना शॉल और कारपेट को GI टैग मिला हुआ है 2021 और 2022 में। एक ध्यान देने वाली बात है, मीना बाजार पे बार्गेन आपका ना के बराबर ही होता है। हम लोग मीना बाजार से अभी निकल गए हैं, बहुत सारा शॉपिंग किए, लेकिन यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। लेकिन मैं घर जाके आपको सारा शॉपिंग दिखाऊंगी एंड सबका कितना कितना प्राइस लिया वो सभी मैं आपको शेयर करूंगी विद डिटेल्स। अभी हम लोग चलते हैं रिटर्न। हम लोग का सारा पॉइंट हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न। जहाँ से हम लोग चढ़े थे हम लोग अभी ठीक वहीं पर जाएंगे। चलिए, ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे वाटर प्लांट हार्वेस्ट होता है। वाटर प्लांट यहाँ पे लगाया भी जाता है, फिर हार्वेस्ट भी यहाँ पे होता है। अभी हम लोग का लंच का टाइम है और हम लोग लंच कर रहे हैं। देखिए वी आर हैविंग आवर लंच इन शिकारा। तो ये तो एकदम पहली बार है, अगर मैं बोलूँगी आप लोगों को, अगर ऐसा मौका मिले आप लोगों को कुछ शिकारे में बैठ के लंच करना, तो ज़रूर इसको आप एक्सेप्ट कीजिए एंड एन्जॉय कीजिए। इसमें कश्मीर के अलावा ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो कश्मीर आए हैं और ये मौका गवाइए मत। हाँ, गवाइए नहीं, आपको यहाँ आके खाना, अगर ऐसा मौका मिले कि आप शिकारा में आपका लंच करेंगे कुछ करेंगे, तो ये मौका नहीं गवाना है, क्योंकि ये कश्मीर में ही मिलेगा बस। ठीक है, चलिए हम लोग खा लेते हैं। आफ्टर लंच हम लोग पहुंच गए हैं एक गार्डन पे। ये आपका बोटानिकल गार्डन है, इसका नाम शायद नेहरू गार्डन करके कुछ है। मैं एंट्री में जाती हूँ, एंट्री में जाके आपको दिखाती हूँ। चलिए, मेरे सामने बहुत अच्छा अच्छा सोवेनियर है, की रिंग, आई लव की रिंग्स। ये देखिए, तो इधर सुवेनियर खरीदने हम लोग बाद में आएंगे, ऐसे भी तो इतने दिन में बहुत कुछ मार्केटिंग हो भी गया है। चलिए एंट्री चलते हैं। टिकट कितना है, क्या है, सारा कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये है एंट्री आपका। कितना एक आर्डर? 24 रुपीज। 24 रुपया टिकट है। 8 रुपीज बोले बच्चे लोग के लिए, 12 रुपया 24 टका।
पुनिया प्लीज पुनिया माने चाटे हां हां पुनिया माने चाट चार 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 चलो हम लोग चार जन एसो ये टिकट है आपका एक गार्डन का नाम की गार्डन नेहरू मेमोरियल बोटानिकल गार्डन ओके चार जन आंसर हाँ तो गार्डन का नाम है गार्डन का नाम भूले हाँ नेहरू मेमोरियल बोटानिकल गार्डन हाँ जिसको हम लोग जानते हैं पहचानते हैं इस नाम से चश्मशाही या चश्मशाही ठीक है लेकिन चश्मशाही ज़्यादा नज़र में मेरा नहीं आया मेरे नज़र में पहले ही ये आया नेहरू मेमोरियल बोटानिकल गार्डन चलो बहुत हम बोल दिए इसका नाम देखिए चश्मशाही गार्डन का मतलब होता है रॉयल स्प्रिंग और सबसे मजेदार वाली बात है ये स्प्रिंग के टाइम पे ही बनाया गया था 1632 में और ये बनाया गया था मुगलों के टाइम पे। ये चश्मशाही गार्डन आपका 108 मीटर लंबा और 38 मीटर वाइड है और तो और ये गार्डन 1 एकर में स्प्रेड होके रखा है लेकिन ये मुगलों के गार्डन में से एक गार्डन है जो कि सबसे छोटा है बाय इट्स एरिया और ये गार्डन पर्शियन गार्डन का डिजाइन के ऊपर बेस करके बनाया गया है फूले फूले ढोले ढोले बाहे के बाबरे दुबाई अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं निषाद गार्डन की तरफ निषाद बाग का एंट्री फी लगेगा आपको 24 रुपीज पर पर्सन और निषाद बाग का मतलब होता है गार्डन ऑफ जॉय शालीमार बाग के बाद निषाद बाग मुगल गार्डन का सेकंड लार्जेस्ट गार्डन है ये जो निषाद बाग गार्डन है ये आप देख सकते हैं डल लेक के सामने ही है और ये बनाया गया था 1633 में वही मुगलों के टाइम पे पहले तो निषाद बाग का बेसिक कॉन्सेप्ट मॉडल था पर्शियन गार्डन लेकिन बाद में फिर इसको रीमॉडल किया गया टोपोग्राफिक एंड वाटर सोर्स कंडीशन को देखते हुए निषाद गार्डन में 12 टेरेसेस है जो कि रिप्रेजेंट करता है 12 जोडायक साइन निषाद गार्डन का प्लानिंग शाम को करने से बढ़िया रहेगा क्योंकि यहाँ से आप लोग सनसेट का आनंद बहुत अच्छे से ले पाएंगे कश्मीर आने का सबसे अच्छा मौसम मेरा मतलब है सबसे अच्छा मंथ आपका होगा अप्रैल क्योंकि अप्रैल में आपको बर्फ़ भी मिलेगी धूप भी होगा और तो और वो ठंडक भी होगी हम लोग आए हैं अक्टूबर में वो जो थोड़ा कंजेशन होता है कंजेशन हम लोग तो वहाँ बहुत कंजेशन होता है द मंथ ऑफ अक्टूबर तो इसलिए हम लोग अक्टूबर में ही प्लान बनाते हैं एंड और एक चीज़ है कि छुट्टियाँ उसी टाइम पे मिलती है थोड़ा बड़ा छुट्टी लंबा तो इसलिए उस टाइम पे घूमने आ जाते हैं तो इसलिए उस मंथ के हिसाब से हम लोग नहीं कर पाते लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगी आप लोग अप्रैल में आइए अगर कश्मीर का प्लान बना रहे हैं तो अप्रैल मंथ विल बी फ्रूटफुल फॉर यू चलिए बाकी ये तो आपका निषाद गार्डन है जो कि मुगलों का है मुगल लोग बहुत अच्छे से ये गार्डन बनाए हैं ये देखिए एक चीज़ आपको दिखाते हैं ये सारा इतना मतलब यहाँ पे इतना बड़ा जगह है सब लोग आए हैं अपना ड्राई पिकनिक कर रहे हैं
और यहाँ पे देखिए वो इससे थोड़ा कटआउट टाइप का है, मतलब सेपरेशन यहाँ एक है और यहाँ पे एक है और यहाँ पे बना हुआ है वॉशरूम। तो ऐसा चीज़ हम भूटान में भी देखे हैं कि जिस साइड में बाथरूम होता है ना वो जगह ही दूसरा टाइप का होता है। सी मतलब नो क्राउड। हाँ ये इधर बाथरूम है तो देखिए यहाँ पे कोई क्राउड नहीं है, कुछ नहीं है, नो क्राउड, नो टूरिस्ट, नो वन। ये जेंट्स है बाबू, जेंट्स है, ये लड़के लोग का है, लड़के लोग का इधर होगा शायद। रुको रुको रुको, ओके दिस साइड लेडीज उधर है। हाँ ठीक है, तो मैं अभी, अच्छा जगह आप देखिए, जगह देखिए, यहाँ पे एक भी इंसान नहीं है। सी एक भी नहीं, और इसी के उस पर टूरिस्ट है। तो ये मुझे ना थोड़ा अजीब लगता है, अच्छा लगता है, यूनिक है, अजीब है। जनरली क्या होता है, जहाँ लोग हैं, बहुत सारे टूरिस्ट हैं, तो वहाँ पे एक टॉयलेट का, वॉशरूम का एक जगह बना दिया जाता है, लेकिन वैसा नहीं, ये तो एकदम सेपरेट। यहाँ पे देखिए सो बेसिकली ये जो डिज़ाइन है इस पार्क का, इस बाग का, ये स्क्वायर पैटर्न में था, जिसको बाद में जाके एक्शियल स्ट्रीम फ्लो डिज़ाइन में कन्वर्ट किया गया, जिससे कि हिल का पानी निशात बाग के अंदर से डाल लेक में आ बहे, जो कि बाद में रेक्टेंगुलर लेआउट ले लिया।